नमस्कार, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गैस दो पार्ट तो ख़त्म हो गए, ये तीसरा पार्ट है। देखो फाइनली हम लोग जब फेमस सुंदर कलाकार के पास पहुँच गए। अभी तो देखो आते की बंदे को भूख लग गई है। हम लोग कब से घूम रहे हैं? 2 बजे से। 2 बजे नहीं, 1:30 1:40 से कुछ घूम रहे। तो चलिए वो भी डाइट के अच्छे से हम लोग खा रहे हैं, एक चीट मिले। तो चलो गाइस अभी फिलहाल अपन तो अंदर चलते। तो गाइस देखो हर कलाकार के पास 2 वैरायटी 3 वैरायटी रहते, नहीं रोल 2 या 3 4, मगर इनके पास डिफरेंट हर एक आइडियल डिफरेंट है। और ये ज़्यादा मतलब इनके पास हर वैरायटी के रहते, बैठे हुए खड़ा हुए। मम्मी आए वीडियो बनाने, हम लोगों का मस्त खा रहे घूम रहे मस्त एंजॉय कर रहे, हमारा बस खाना घूमना है। तो खाने के लिए नहीं माँ, सब लोग आते हैं सिर्फ गणेश जी का बताते, लेकिन देखो हम स्ट्रीट फूड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मस्त ये बेलपुरी खाओ, मस्त खाते खाते घूमो। बहुत लोग घूमने के लिए आते, खाते जाओ घूमते जाओ, और पसंद आया तो गणेश जी को उठा लो और लेके चल जाओ अपने घर। मगर इनके पास हर डिफरेंट के गणेश आ रहे थे। लेकिन सबसे पहले अगर धुरपेट गणेश मतलब लोगों के माइंड में आया था सुंदर कलाकार, सुंदर कलाकार बस एक ही नाम घूमता रहता था सारे लोगों के पास। नो बडी नो शेयरिंग, शेयरिंग नहीं। तो गाइस देखो इन लोगों के पास हर वैरायटी का मतलब हर वैरायटी का बस ज्यादा पीस भी। ये वाला गणेश जी में आप देखो पीछे कितने सारे मतलब भगवान भी है, मच्छी पे बैठा हुए गणेश जी, कितनी यहाँ पे वो भी है, सॉरी मूषक, मूषक नहीं, मूषक तो वो छोटे से ये वाले टॉर्टोइस ताबेल। हाँ ताबेल भी मतलब बहुत सारे भगवान हैं ताबेल। देखो सुंदर कलाकार जी के पास सारे जितने भी वैरायटी है सारे आप लोगों को दिखा दिए, और एकदम उनके अपोजिट पहले मतलब बाहर निकले हुए बाहर निकलते कि यहाँ पर एकदम मस्त वाले पीस आएगा। इस एकदम बैठे हुए गणेश जी हैं यहाँ पर भी। चलो वो वाले भी मैं दिखाती हूँ, राहुल थोड़ा जाके दिखा। चलो धोती देखो वहाँ क्या जबरदस्त है, धोती धोती का वर्क ना। सुंदर कलाकार जी के आसपास ही थे सारे जितने भी शेड हैं पूरे आसपास ही थे। तो हम लोगों को यहाँ पर देख गणेश जी बैठे हुए वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो चलो उन लोगों का वो गणेश जी का भी अपन वीडियो लेते। चल राहुल को चलो। हाँ चलो चलो ब्रो। तो गाइस ये वाले शेड का भी जय सिंह कलाकार है। देखो मैं अब जितने भी ये पार्ट के वीडियो डालेंगे ना सारे सुंदर कलाकार जी के सेट के आजू बाजू ही थे ये सारे भी शेड हैं। इनका नाम जय सिंह कलाकार है। तो आप लोग अगर सुंदर कलाकार जी के पास देखने के लिए आएंगे ना तो ये सारे भी आप लोग विजिट कीजिए। और यहाँ पर सारे देखो सारे बैठे हुए थे गणेश जी, कलरफुल है यहाँ पर सारे, नहीं रहा। हाँ ये एक मॉडल शिवजी भी है ऊपर बैठे
उनके पिताजी है ब्रो, गणेश जी के पिताजी सारे सेम मॉडल हैं। देखो फाइनली हम लोग गणेश सिंह कलाकार जी के पास आ गए। चलो उनके बिल्डिंग में छोटे छोटे इतने मस्त गणेश रहते हैं, एकदम हाईलाइट सुपर डुपर गणेश रहते हैं मस्त। तो चलो वो देखते हैं डिजाइन गणेश, डिजाइन वाले गणेश, कुंदन वर्क वाले, स्टोन कुंदन वर्क वाले गणेश। तो चलो अभी अपन चलते हैं। राहुल मेरे को सब में ज्यादा कौन से वाले गणेश जी पसंद पता है? वो वाले ऐसा मतलब वो शादी के लिए दूल्हे राजा रेडी होके हाँ, वैसे गणेश जी रेडी हो गए ना, रेडी उनके उनके गले में पल्स की माला भी है। हाँ, पल्स की माला भी है, ओरिजिनल पल्स है वो। हाँ। और इधर चलो अब एक एक दिखाते जाएंगे इधर से। यहाँ पे जितने भी मॉडल्स है सारे के सारे डिफरेंट है, डिफरेंट पूरा एंटीक पीस रहते हैं। हर साल बोले तो हर साल यहाँ पर, हर साल यहाँ पे मतलब पूरे वर्क वाले ही रहते ना, सारे कुंदन स्टोन वर्क वाले रहते हैं। इधर देख लो, डोंट टच इसमें भी देखो हाथ के हर मतलब कुंदन स्टोन हर चीज है इसमें। और ये भी कि अय्यप्पा स्वामी हां टाइप में देखो ये वाले, जो भी देखो जो भी लोगों को मतलब घर पे बिठाना है छोटे से गणपति बप्पा चाहिए 2 feet, 3 feet, 2 feet, 1 feet, 2 feet तो आप लोग आ सकते हो यहां पे ले सकते हो। इधर देखो गणेश जी चमक रहे हैं यहां पर मस्त है। यहाँ पे जितने भी आइडल्स है ना, जितने भी सारे के सारे पूरे डिफरेंट डिफरेंट है। और यहाँ जल्दी से आ जाओ, हाँ ये वाले काम में मेहनत ज्यादा, ज्यादा बार्गेनिंग मत करो गाइस, थोड़ी बहुत कर लो मगर ज्यादा मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। नहीं जितने पैसे ले रहे उन मतलब वो पैसों के हिसाब से ये करेक्ट है, मतलब गणेश के हिसाब से उतने पैसे परफेक्ट है मेरे हिसाब से। टाइम लगता मालूम इतना डेकोरेट करने के लिए, हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा टाइम। पूरा फैमिली मतलब पूरे फैमिली लग जाती होगी डेकोरेट करने के लिए। पर एक सेम गणेश कौन सा भी नहीं है, सारे डिफरेंट है, सारे अलग वही सारे एडल्ट सारे के सारे डिफरेंट ही है। यहां पर देखो ये वाले भी मस्त है, इसका इधर कॉम्बिनेशन देख रहा हूं। हां महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र कपड़े पहने हुए हैं यहां पर देखो। हां नवरात्रि वाले नवरात्रि कपड़ों का कॉम्बिनेशन भी एकदम मस्त है। और इधर देख वही तो वही तो ब्रो गुंडू पे खा वही बात बोले कार्तिक। तो चलो राहुल अच्छे से सारे दिखा दो, जिसको भी लेना है जल्दी से करो सारे के सारे बिल्डिंग में ही चाहिए भारी एकदम शटर में, तो आप लोग आके देख सकते हो। यहाँ पर तो सारे पल्स ही पहना हुए गए, आप लोग को बाहर से ही दिख जाएंगे गणेश जी इतने सब चमक से चमकते हुए बाहर से ही।
तो बस देखो हम लोग हैं, मैं आपको बोली थी ना गणेश सिंह कलाकार जी के बिल्डिंग में सेटअप में छोटे छोटे गणेश हैं वो वाले, तो आप लोग देख चुके अभी, और चलो अब बारी है मेन मेन जो है मतलब पर्सनली मेरे फेवरेट है, मुझे यहाँ के गणेश जी बहुत पसंद आते हैं, मतलब यहाँ का स्टाइल बहुत पसंद आता है। नॉर्मली धुलपेट में क्या है ऐसे गणेश आपको कहीं देखने को नहीं मिलते थे पहले, लेकिन इस ईयर आप ऐसे वाले स्टाइल मतलब बहुत सारे मतलब एक दो शीट में हम लोग देख चुके हैं, मतलब इनके पास स्टाइलिंग पे इनके पास ही बनते ना। हाँ पहले यहीं पे बनते थे, वही तो ना, पहले यहाँ पे बनते थे उसके बाद से और अभी दूसरे दूसरे शीट्स पे भी बनने स्टार्ट हो गए, मगर ये हाइट पे नहीं बनते। हाँ ये हाइट के नहीं है, लेकिन ऐसे वाले स्टाइल वाले, हाँ ये वाले स्टाइल के हैं मगर, हाँ, ये लेकिन सबसे तो पहले मतलब यहीं पे स्टार्ट हुए थे यहाँ के गणेश जी, हाँ बहुत मस्त है। और ये वाले देखिए घोड़े और बीच में लाल बाग चला रहे हैं, चार घोड़े हैं और हर शेड में तो एक गणेश जी तो विराजमान नहीं, हर शेड में आप लोगों को देखने ये वाले गणेश जियो के मतलब ये वाले गणेश जियो से कंपेयर टू ये वाले गणेश जी मुझे काफी अच्छे लगते हैं ऐसे वाले टाइप में, हर जगह हर शेड में तो एक कंपलसरी है ये वाले गणेश जी इनके पास, ये तो लुक के ऐसे वाले गणपति पापा अगर ऐसे रहेंगे तो ये मतलब गणपति पापा जैसे दिखेंगे, उनकी पर्सनैलिटी। यहाँ पे ऐसा वाला पीस कंप्लीट हो गया, ये वाला अभी आपको ये वाला दिखाएंगे, सारा का सारा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ ये वाला कलरिंग वगैरह बाकी है और ये वाले स्टाइल के भी बहुत अच्छे हैं, चलो अपन सारे देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। दो मिनट बात करेंगे, मैं मतलब हम पूरे शेडा घूम के आ गए, वो शेडों का अलग बात है, आपके शेड की अलग बात है, आपके पास हर साल यही वैरायटी बनते है ना, नहीं, मतलब ज्यादा धोती पहनावे बॉम्बे स्टाइल यही वाले डिजाइन ज्यादा कहीं को बनाते हैं, पब्लिक के डिमांड के हिसाब से बनाते हैं, अपने पास ज्यादातर वही प्रेफरेंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप पूछ रहे हो मुंबई स्टाइल में चाहिए, टोटली डिफरेंट है, एकदम थोड़ा कुंदन वर्क वगैरह से अभी और उसके ऊपर डिजाइनिंग होने वाला है, अभी अभी और होने वाला है। हम अगर कितने सालों से भी एक ही वैरायटी ज्यादा बनाते हैं वैसा नहीं, ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ, ट्रेंड स्टार्ट हुआ अभी मुंबई का, हाँ ये अभी चार पाँच साल से बन रहे हैं, हाँ ये चार पाँच साल है, पहले ज्यादा तो ये मोटे मोटे ज्यादा कितने साल से जितने भी नामकारी कलाकार है सबके थर्ड फोर्थ जनरेशन ही चल रहा है, अपने सारे कलाकारों के यही थे, अपने समाज के सारे जितने भी कलाकार है पूरे उनके थर्ड ऑलमोस्ट सारे के सारे सोल्ड आउट, हां कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया, ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, 99% हो गया, समझ 1% है, 1% है, मगर अपने भोदे समाज के धुलपेट की शान है गणपति बाप्पा, ये तो है ना जी मेन बिजनेस, एक्चुअली अपना धुलपेट का बिजनेस यही है, ये अपने समाज का ये पहला बिजनेस है, बाद में सब दूसरे बाद में सब है, वही अपने गणपति जो इतने अपने कलाकारी है अपने धुलपेट वालों का नहीं किसी के पास नहीं है, एक्चुअली क्या है अपना धुलपेट पूरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हां वो तो है मेन इम्पोर्टेंट, कंट्रियों को भी जाते हैं कंट्रीज में, और कंट्रीज बोलो आप या स्टेट्स, कंट्रीज में तो अभी हम लोग परसों ऑस्ट्रेलिया दिए ऑस्ट्रेलिया परसों में मूर्ति मूर्ति गई फॉरेन कंट्री को किसके पास से गए बोल के हम लोग अपने पास से गए ऑस्ट्रेलिया को गए, देखो गाइस अपने बोल रहे ना अपने हमारी हैदराबाद की शान धूल पे पीछे धूल पे और धूल पे
एनर्जी का नाम लिए तो ही धुलपेट लोगों के माइंड में आ जाता है धुलपेट करते और पूरे सभी लोग काम वाम सब छोड़ के आ जाते हैं। एक महीने से पूरा मेला लग जाता है, धुलपेट लग जाता है। धुलपेट की शान हैदराबाद की शान लोधे समाज से जे बराबर बोली ना मैं तो नहीं लोधे समाज से ही एक तो देखो हैदराबाद की शान ज्यादातर मुंबई में मतलब गणेश फेस्टिवल जाए तो मुंबई में होता है और उसके बाद मुझे लगता है धुलपेट में ही मतलब अपने हैदराबाद में ही होता है इतना मतलब पूरा मेला बन जाता है यहाँ पे। हाँ मेला अभी तो अपन गाड़ी ला सक रहे अभी एक चार दिन गए बोल तो गाड़ियाँ भी नहीं ला सकते उतनी दूर पार करके लेके आना पड़ता तो ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टाइल आपको मुंबई मुंबई स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको मस्त मतलब पहले आना आप लोग एक दो तीन महीने मतलब एक दो महीने पहले आ जाओ। स्टार्टिंग 8 फीट से लेके 8 फीट से लेके आपको मैक्सिमम 30 फीट तक रहता है। 30 फीट तक रहता है हाईएस्ट दिख रहा है अपने पास सब में बड़ा है टोटल धुलपेट पूरा ओवरऑल धुलपेट में सब में बड़ा मूर्ति अपनी। हां वही हम पूरा में देखे लेकिन इतने हाइट के नहीं बोले 30 फीट नहीं बोले 20-25 बोले। तो देखो गाइस धुलपेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अपने गणेश जी कलाकार जी के पास ही 30 फीट के गणेश जी गाइस। तो जल्दी से ऑलरेडी 99% बुक खत्म हो गए यहाँ पे ये मतलब जितने भी हम लोग कलाकारों के पास जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट बुक हो जाते हैं मतलब। तो इसलिए आप लोग एक दो महीने पहले से आप लोगों को आना पड़ेगा दो महीने पहले भी आके बुक कर लिए तो और आप कुछ चॉइस का कलर भी करके दे सकते भैया ने। और अगर आप लोग यहाँ से गणेश लेके जाओगे ना तो आपके मोहल्ले में आपके मतलब पूरे एरिया में आपका गणेश सबसे टोटली डिफरेंट हो जाएगा। टॉप टॉप पे नंबर वन पे रहेगा गणेश में ट्रेंड पे चलेगा आपका गणेश जी ट्रेंड पे चलेंगे। हाँ ट्रेंड पे चलेगा वही मैं हर जगह यही बोल रहा हूँ हैदराबाद की शान धुलपेट का गणेश और लोधा समाधि से उसमें अपना हैदराबाद फेमस है मेन हैदराबाद उसमें फेमस है। तो देख लिए ना गाइस तो आप लोग जल्दी से आके सारे जो 99% बुक हो गए ना 1% बाकी है वो भी खत्म कर दो बस थोड़े ही दिन बचे अभी। धन्यवाद भैया थैंक यू। और आप लोगों को गैस अगर जिसके भी पास छोटे ये साइज से बड़े साइज से जो छोटे या बड़े साइज भी जो भी गणेश है ना तो आप लोग कमेंट करो हम लोग आएंगे और आपका वीडियो बनाएंगे हम लोग आके वीडियो बनाएंगे छोटे से रात के टाइम में भी तो फ्री आप मतलब रात में हम ट्रैफिक भी नहीं रहते आने के लिए ज़्यादा लोग भी नहीं रहते आराम से बना सकते। आप मुझे कमेंट करो इंस्टाग्राम में कमेंट करके बोले तो मैं वहाँ पर आपके पास आऊँगी सारे गणेशों का वीडियो बनाऊँगी। माँ ये देखो राम जी के राम जी टाइप मस्त है नहीं। हाँ वहाँ लिखा पड़ा है मुंबई स्टाइल है मुंबई गणेश।
फेमस मलाई और राम रहते हैं, उसको तो हर जगह भूल ही लग गए। आ जाओ भाई, अगर बेस्ट टिफन अगर खाना है तो आ जाओ, दिखा देंगे मस्त लोकेशन। मंगलवार में फूड ब्लॉगर बन गया हमारे से, आज तो बस खाना खाना है मेरा। स्ट्रीट फूड दूध पी रहा हूँ अभी तक, दूध पियो स्ट्रॉन्ग बनो।